साथियों, आज हम बात करेंगे आप व्हाट्सएप स्टेटस के बारे में। व्हाट्सएप स्टेटस एक ऐसी चीज़ है, आप ये माने इस वीडियो को देखने के बाद आप भी समझ ही नहीं पाएंगे कि व्हाट्सएप स्टेटस इतनी तरह का भी होता हो सकता है। दो ये हमने नॉर्मल फ़ोटो लगाया है, हमने क्या एक दीवार का अपने फ़ोटो खींचा उसी का लगा लिया। व्हाट्सएप स्टेटस पर क्या क्या कर सकते हैं, पहले तो हम आपको नॉर्मल चीज़ें बताते हैं। जैसे ये आपका जो गोल सा इमोजी छपा है उस पर टिक करें। आज जैसे कोई ऐसा आप फोटो डालना चाहते हैं जिससे कि किसी को टाइम पता चले, जैसे हम किसी स्टेशन के सामने कहीं भी आ गए तो वहाँ का हम अपना ट्रेन का टाइम दिखाना चाहें तो ये 17:51 अभी 5:51 हो रहे हैं, हम 24 घंटे वाला टाइम चलाते हैं इसलिए 17:51 दिखा रहा है यहाँ पर। और इसी तरह अगर हम इसी तरह से दूसरा स्टेटस लगाना चाहे जैसे इसी में से इमोजी में जाकर, जैसे इसी तरह से अगर हम दीवाल घाई दिखाना चाहें तो दीवाल घाई वही 751 या 752 ही दिखा रहा है। इसी तरह से मैं आपको एक चीज़ और बताऊं इसी का इमोजी में जाकर, अगर जैसे हम किसी स्टेशन पे या किसी मान लो गोवा गए, गोवा के बीच पे दिखाना चाहें या किसी शादी पार्टी में, तो यहाँ पर GPS दिख रहा है दोनों घाई के बगल से। GPS पर अगर टिक करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग पे हमें इनेबल करना है। सेटिंग यहाँ से हमने इनेबल कर दी, अलाउ कर दिया नोटिफिकेशन में। अब हमारे वहाँ से लोकेशन भी दिख जाएगी, किसी को भी देख कोई भी देखना चाहे तो हमारी लोकेशन देख सकता है। बस हमें फ़ोटो पर सिलेक्ट किया, यहाँ से लोकेशन का टिक किया, लोकेशन आपको दिख रहा पा रहा है। पहले नंबर पर 1752 दिख रहा है, दूसरे पर घड़ी दिख रही है अगर आपको टाइम दिखाना है, तीसरे पर लोकेशन दिख रहा है। ये आप डाल के आपके जैसे किसी शादी पार्टी में गए या कहीं भी गए तो उस पर लोकेशन, तो आपका दोस्त भी वहाँ से टिक करके देख लेगा कि ये किस मैरिज गार्डन में गया है। इसके बाद कुछ ऐसे चीज़ें आती हैं जैसे किसी छुपाते हैं, जैसे हम किसी पूरी फैमिली का फ़ोटो दे रहे हैं, किसी एक खास लड़की या मान लो महिला या किसी ऐसे मित्र का फ़ोटो नहीं डालना चाहते जिसका, तो इसके लिए हम ये कर देंगे। ये जो ऑप्शन आ रहा है ना इमोजी में ही आ रहा है, ये वाला ये बादल सा छपा हुआ है, ये वाले नीचे के दोनों तीनों, और ये भी दबाकर काम चला देंगे। इसको यहाँ पर लगा देंगे, जैसे उसका चेहरा यहाँ पर आ रहा है तो कोई समझ नहीं पाएगा कि ये किस लिए दिया गया है। अब इसके बाद हम आपको एक चीज़ और दिखाएं, आपको इसमें बैक करके दिखाते हैं। इसके बाद जैसे किसी व्यक्ति विशेष का कोई बर्थडे वगैरह है तो इसको ये बीच में तीर वाला भी निशान वहाँ चूज कर सकते हैं। देखो मैं आपको दिखाऊँ इसको भी, इसको आप यहाँ से भी दिखा सकते हैं। जैसे इसका जैसे कोई जैसे आपके 2-3 मित्र हैं, तो हमने हालांकि फ़ोटो किसी का लिया नहीं है YouTube वीडियो बनाने के लिए, हमने नॉर्मल यहाँ पर भी तीर कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी जैसे भी चाहें। या एक तरीका और भी है हमारे, एक तो एक तरीका और है हमारे पास, इसको डन ना करते हुए इसको हम बैक करते हैं। एक तरीका और भी है, इस गोला के चिन्ह को भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी उसका निश्चित फोटो में ये बीच में आ जाएगा। इसको हम छोटा या बड़ा या अपने हिसाब से, देखो मैंने अंडे के आकार का कर लिया, इसको और बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सक किया जा सकता है, जैसा आपको चाहिए उस तरह से हो जाएगा। उसी तरह से ये तीर भी चेंज हो जाता है, कोई परेशानी की नहीं, आप चाहे तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। और भी कोई अगर आपको व्हाट्सएप के संबंध में हेल्प चाहिए, हमने आपको इतने सारे फंक्शन बताए, हाँ कुछ फंक्शन हो रहे हैं, आप जैसे कुछ लिखना चाहें, जैसे टाइपिंग में लिखना है तो टी बना है, टी से आप जैसे मान लो मेरा नाम है, हम अपना नाम ही नोट कर दें ब्रज, यहाँ पर लिख जाएगा ब्रज भी स्टेटस पे लिख कर आ जाएगा। फंक्शन तो इतने हैं व्हाट्सएप पे कि आप, हम अभी नॉर्मल स्टेटस लगाते हैं, बस फोटो लिया खींच के डाल दिया, जबकि तरीके बहुत हैं व्हाट्सएप स्टेटस के, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। हम देखो यहाँ पर इस पर भी पेन पर भी जाएंगे तो भी नए नए फंक्शन खुल जाएंगे। और हाँ एक नया फंक्शन और आया है, ये स्टेटस कॉन्टैक्ट, अगर मान लो हमारे पास कॉन्टैक्ट है हमारे जैसे जो हमारे लिए जैसे हमारे कॉन्टैक्ट है मान लो 2000, तो ये स्टेटस सभी को दिखेगा। माई कॉन्टैक्ट की जगह हम किसी जैसे किसी को डेडिकेट करते हैं, जैसे गाने वगैरह डेडिकेट किए जाते हैं, इसी किसी को भी स्पेशली अपना स्टेटस दिखाना है
तो ओनली वन करें, हमारा जैसे कोई भी कॉन्टैक्ट है किसी को भी, ये जैसे अल्केश को टिक किया हमने या आलोक को टिक किया या ऊपर वाले को टिक किया, बस टिक करेंगे तो केवल इन्हीं को ही दिखेगा हमारा स्टेटस, दूसरा किसी को नहीं दिखेगा। तो आपको ये जानकारी, ये फंक्शन भी आपको सिलेक्ट ऑर्डर माई कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो माई कॉन्टैक्ट वाले दिखेंगे, माई कॉन्टैक्ट इसमें जाएंगे तो यहाँ पर हमने एक सिलेक्ट कर रखा है, हम किसी किसी को भेजते रहते हैं और यहाँ पर हमारे किसी को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये गोला सा बना हुआ है, इसको टिक कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। हालांकि हमको किसी को दिखाना नहीं है, ये केवल आपको जानकारी के लिए दिया गया था। मतलब आप ऐसे भी स्टेटस लगा सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी हम सोचते हैं स्टेटस लगाते समय कि किसी को दिख जाए, और किसी किसी को नहीं दिखाना चाहते तो उसको हटाकर बाद बाकी सभी को लगा सकते हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी, आगे भी आप इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आपको सभी तरह के वीडियो मिलते रहें।